टिकट निकाल के दे दो, देख आधा बचा हुआ था। क्योंकि अब दीपावली आने वाली है, दीपावली से पहले आएगी नवरात्रे, तो सारे कैबिनेट खोल खोल के सामान निकाल के झाड़ बाड़ के पोंछ के अच्छी तरीके से लगाने हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। কি জিনিসটা খারাপ হয়েছে একটু দেখাবে? কালোটা ঠিক আছে, আমি বন্ধ করব। ইয়ে বেচারা গরিব সবসে জ্যাদা পরেশান হে কি ভাই জো ঘর মে আ রা হে মুঝে ভি কোই লে যায়া করো নিচে। जा मिस्त्री के संग जा, कुछ काम सीख ले, तेरे काम आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज रचना। आई अपलोड हियर एवरीडे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, एंड ये व्लॉग संडे का है। इधर नहीं सुना, खबर दे। लड़का बदमाश, बात नहीं सुनता है एकदम, चाड़ मारूंगी अभी। बहुत गंदा लड़का है, एक नंबर का। क्या किया ये? ये क्या किया? चाड़ मारूंगी अभी, पूरा कवर काट दिया। और यहाँ कुछ थोड़ा सामान मंगा लिया था, जैसे लौकी चने की दाल बनानी थी, सो चने की दाल पूरी ख़त्म हो गई थी। वैसे भी थोड़ी कम मंगा के ही रखती हूँ, ज़रा मेरे घर में कम खाते, बस मुझे ही पसंद है। तो बस यहाँ 1 किलो के करीब मैंने मंगा ली थी, ज़्यादा नहीं मंगा के रखती हूँ। जैसे कि लाल वाली मसूर की दाल और अरहर की दाल, तो ये ज़्यादा लगती है हमारे घर में। चीची, ज़रा हैंड वॉश का पैकेट निकाल के दे तो, देख आधा बचा हुआ था। ड्रॉर को अच्छे से कागज लगा के बंद कर देना, नहीं ये सब सामान निकाल लेगा। गर्मी बहुत लग रही है, पसीना इतना, कॉटन का पतला सूट पहनी हूँ फिर भी गर्मी बहुत लग रही है। चलिए सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। और सुबह तो है नहीं इसलिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग नहीं, बस आप सभी को राम राम। और यहाँ थोड़ा सा सामान मंगा लिया है, चाय पत्ती जैसे कि खत्म हो गई थी, तो ये आंचल के लिए ये मंगाया है। लौकी चने की दाल बना रही हूँ, जो पता है कि आप सभी को कि घूम घूम के मुझे ही खानी है। आज दाल पूड़ी रखी हुई है, मम्मी गई थी कालीघाट तो सभी के लिए दाल पूड़ी लाई थी, बट मुझे अभी शाम को खाने का इतना मन नहीं कर रहा है, तो रोटी बनाऊंगी अपने और एस्ट्रो बाबू के लिए, और लौकी चने की दाल बना रही हूँ। लौकी थोड़ी ज्यादा है और मसाला पीस के नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ, और चने की दाल थोड़ी कम ली है मैंने। एक पैकेट अभी डालूंगी और एक पैकेट संभाल के रख दे रही हूँ। वो बोल रही थी ना आपको कि ब्रेड के साथ फ्री मिल रहा है, ये है वाघ बकरी चाय, बड़ी कड़क चाय है। चलो इससे काम तो चला, कम से कम 3 पैकेट थी, छोटी छोटी है, 10 रुपए वाली जो फ्री मिल जाती है, तो ये जरा सी बची हुई है, सुबह काम में ले लूंगी। अभी ये चाय पत्ती एकदम पूरी खत्म हो गई थी, सो ये चाय पत्ती मंगा ली थी अपनी फेवरेट वाली, बट हाँ 3 से 4 दिन ना वो वाली चाय पत्ती में काम चल गया था, वो वाघ बकरी वाली चाय। सो 3 पैकेट आ गई थी, और ब्रेड भी थोड़ी लगी जाती है घर में, सैंडविच एंड ऑल ये सब बनता ही रहता है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपनी वाली चाय पत्ती को पलट के रख दे रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि लौकी ज़्यादा है और दाल कम ली है मैंने,
क्योंकि वो मुझे ही घूम फिर के खानी है और मुझे ये लौकी चने की दाल बड़ी पसंद आती है। सो बस दाल को धो लिया था और उसके बाद में यहाँ पे ये सबसे अच्छा मुझे सिस्टम लगता है। पहले तो एक स्टूल थी मेरे पास, फिर वो टूट गई बहुत साल पहले, तो अब कोई भी सामान मुझे रखना होता है ना तो इसी तरीके से चमचे से खोल के रख देती हूँ। कभी कभी तो कूद कूद के रखना पड़ता है क्योंकि सामान गिर जाता है। और बस यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था, जीरा डाला और फिर जो लौकी और टमाटर एक साथ ही डाल दिया है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। सो बस इसको चला ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं भुनूंगी इसको, और बस थोड़ा सा भुनने के बाद में उसके बाद डालूंगी जो दाल धो के रखी है। अब ये जो एकदम नॉर्मल से मसालों से बनाया है ना, ये इतनी अच्छी दाल बनेगी, मसाला पीस के बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये सब्जी मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि जैसे ये पूरी मसाले में भून गई है, बस इसमें जरा सा पानी भी डाल के आप बना लो तो लौकी की बहुत बेहतरीन सब्जी बन जाएगी। तो मैं तो दाल डाल के बना रही हूँ। सो मसालों के साथ लौकी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने भून ली थी एंड थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ हो गया था साइड से, तो बस दाल डाल दी है और इसको मैं भून नहीं रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा चलाने के बाद ही ये वाला जो पानी आप देख रहे हैं, ये मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बस ख़त्म ही हो गया आप समझ लो। तो बॉटल में पानी को हिला के मैंने डाल दिया तो उसमें टेस्ट भी आ गया और यूज़ में भी आ गया। सो बस यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी दाल और फिर साथ के साथ ही मैंने बनाना शुरू किया रोटी। गेट पे कोई आया था, वो ऑनलाइन से सामान आया था, सो रोटी पूरी चिपक गई इसमें। सो रोटी बना ले रही हूँ अभी और लौकी चने की दाल में ऑलमोस्ट 8 सीटियाँ लग गई हैं, 2 और लगाऊंगी क्योंकि ये लौकी ना हमारी थोड़ी पुरानी हो गई थी और लौकी अगर पुरानी हो जाए ना तो वो फिर लेट से गलती है और वैसे भी चने की दाल तो लेट गलती ही है। और अब कुछ दिन जो खाने वाले जो आइटम है वो जरा एकदम सिंपल वाले बनेंगे, जो जल्दी बन जाए और काम भी जल्दी सिलट जाए क्योंकि अब दीपावली आने वाली है। दीपावली से पहले आएगी नवरात्रे, तो बस वही है, एक एक पार्ट घर का जो है वो क्लीन करेंगे। आज ही मैंने अपने हाउस हेल्पर से बात की तो अब पता नहीं वो साथ में कराएंगी कि उनकी बेटी पहले हमारे यहाँ काम किया करती थी वो कराएगी। पसीना आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। अब बस रोटी बना के किचन साफ करके सीधा कपड़े चेंज करूंगी, नाइटी। अब पता नहीं दोनों में से कौन कराएंगी, वही मैंने बोला कि एक एक पार्ट करके कर लेंगे, किचन एकदम लास्ट में करेंगे क्योंकि किचन में ऊपर जो स्टोरेज है वो काफी कुछ है, तो सारे कैबिनेट खोल खोल के सामान निकाल के झाड़ बाड़ के पोंछ के अच्छी तरीके से लगाने हैं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। सो बस वही अब एक एक दिन करके होगा, 1-2 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। पर्दे का काम है वो एकदम लास्ट में है, निकाल के धो के और एक एक रूम के कर दूंगी। बस इन पर्दों को मेरे कम से कम 4 साल हो गए हैं तो देखिए कितने अच्छे से धो के लगा के मेंटेन करके रखते हैं, तो अभी भी अच्छे खरीदूंगी नहीं नए अभी। सो बस ये रोटी बन जाए, 2 सीटी इसमें लग जाए फिर खाना डन है। ये लोग तो खाएंगे दाल पूड़ी, दाल पूड़ी की शक्ल आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। और ये दुखी आत्मा यहाँ लेटा हुआ है तो अब इसको थोड़ी देर के बाद में नीचे भेजूंगी, सबसे पहले इसको खाना दे दूं। और बस यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली थी, रोटियाँ क्या कितनी ही रोटी बनी होंगी, 4-5 रोटी पक्षियों की बनाई थी, 2 रोटी अपनी, 3 रोटी एस्ट्रो की और बाकी तो दाल पूड़ी रखी हुई थी। सो बस वहाँ रोटी बन गई थी और यहाँ दाल मैंने उतार ली थी, आप समझ लो कि पूरी 10 सीटी लगाई और अच्छे से गल गई है। मुझे बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी क्योंकि रोटी में भी सही लगेगी और किसी को चावल लेना हो तो उसमें भी चल जाएगी और वैसे भी रखी रखी थोड़ी गाढ़ी तो हो ही जाती है, सो सही है। और बस इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप गरम मसाला और 1 चम्मच घी भी डाल के आप खा सकते हो, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है, अभी फिर से हरा धनिया का दाम थोड़ा सा बढ़ गया है, जैसे कि 35 रुपीज़ का 100 ग्राम धनिया यहाँ पर मिल रहा है, सो मुझे भी 35 रुपये का ही आया है, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, बाकी उठा के रख दिया था। और बस यहाँ दाल बन के रेडी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ किचन को क्लीन करना स्टार्ट किया था क्योंकि बस गैस को क्लीन करना था और जो बर्तन थोड़े थोड़े निकले थे बस उसको मुझे धोना था क्योंकि मैं एकदम लगे हाथ धोती चलती हूँ बर्तन,
बर्तन तो इतने ज़्यादा मैं इकट्ठे नहीं होने देती हूँ। सो यहाँ फटाफट मैंने किचन को क्लीन किया है एंड उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगी प्लेटिंग। तो ये बाहर वाली और घर वाली दो थाली आप समझ लो कि बाहर की जो दाल पूड़ी है मम्मी लाई थी सबके लिए तो वो भी रखी थी और घर का भी खाना है, सो उसकी प्लेटिंग आपको करके दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये जो मेरे सिंक के पास में जहाँ पे ये पानी का घड़ा रखा हुआ है ना, वहाँ पे काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि यहाँ जो वाइट वाइट पड़ गया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ के पानी में तो आयरन बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा वाइट वाइट पड़ गया है, उसी को मैं बार बार क्लीन करती रहती हूँ। अगर आपको कुछ पता हो इसको हटाने का तरीका तो मुझे बताइएगा, मुझे फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं पता है इसलिए मैं उसी तरीके से क्लीन रखती हूँ। और यहाँ करने लगी हूँ प्लेटिंग। सो लौकी चने की गर्मा गर्म दाल जो अभी बनाई थी वो, और ये रात की मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी रखी थी वो भी मैंने साथ में सर्व की है, और दाल पूड़ी एवरग्रीन दाल पूड़ी कालीघाट वाली हमारे कोलकाता वाली, तो इसका तो हम लोग वेट करते हैं, जिस दिन हमारे यहाँ ये आती है ना उस दिन हम लोगों के यहाँ पे खाना नहीं बनता है क्योंकि हम लोगों की मम्मी इतना लेकर आती है कि हम मन भर के खाते हैं। सो आप देख लीजिए बाहर और घर की मिक्स थाली है ये आज की हमारी डिनर वाली, एकदम बढ़िया वाली। सो बहुत ही टेम्पटिंग थी ये, मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखाई है बट मैंने सिर्फ खाने में खाया था लौकी चने की दाल रोटी और ये लहसुन वाली चटनी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी थाली। एंड बस उसके बाद में किचन तो क्लीन हो ही गया था, फिर मैंने मंदिर की लाइट को बंद किया क्योंकि मंदिर की लाइट बंद करने का टाइम आ गया था, खिड़की में आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, और जो इसके डोरी डंडा जहाँ पड़े रहते हैं खिलौना वगैरह सारा सब कुछ उठा के रखा। एंड देन उसके बाद में मैं गई हूँ मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज करने के लिए, और नाइटी चेंज करने के बाद फिर मैंने एस्ट्रो ने खाना खाया है, मतलब हम सभी का हो गया था। उसके बाद आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक स्किन टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग पैक जो मैं रेगुलर बेसिस पे वीक में एक बार तो ज़रूर लगाती हूँ, तो आप भी लगा के देखिएगा आपको बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। सो कुछ भी अगर हम यूज़ करते हैं ना, अगर लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ किया जाता है लंबे समय तक, तो उसका रिज़ल्ट एक बहुत अच्छा आता है। सो अब मैं आपसे काफ़ी समय के बाद मिल रही हूँ, खाना पीना सब कुछ हो गया, सो यहाँ सबसे पहले पैक बना के आपको दिखा रही हूँ। सो डेढ़ चम्मच के करीब मैंने चावल का आटा लिया है एंड एक छोटा टीस्पून भर के मैंने एलोवेरा जेल लिया है। मैं पतंजलि का यूज़ नहीं करती हूँ, ये एलोवेरा जेल मैंने पहले भी शो किया आपको, एंड ये मैं कामा का जो रोज़ वाटर है यानी कि गुलाब जेल ये मैं यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल ये डाल के अभी मैं इसको चला ले रही हूँ, बट ये ठीक से अभी इसमें मतलब लगाने की कंसिस्टेंसी में नहीं आया था, और इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है ये दही, एक चम्मच दही मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत डालिएगा और बहुत ज़्यादा फ्रिज का ठंडा भी मत डालिएगा क्योंकि एक तो मैं नाइट रूटीन के हिसाब से पैक बना रही हूँ तो उसमें क्या है कि आपको ठंड भी लग सकती है, तो बस इसको इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट करने के लिए मैं बस रोज़ वाटर ही यूज़ कर रही हूँ, कोई दूध नहीं कोई नॉर्मल पानी नहीं। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए, और देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। सो इसको लगाने से पहले अच्छी तरीके से फेस को वॉश कर लिया है मैंने, और उसके बाद अब इसको मैं अप्लाई करूँगी। सो अप्लाई करने से पहले जो भी नोज़ पिन और ये जो चेन पहनी हुई हूँ जो भी है जैसे जिसमें पैक लग सकता है सो वो मैंने उतार दिए हैं, और उसके बाद मैं अब लगाऊंगी वो जो बैंड भी आता है हेड बैंड, तो वो चीची के पास है बट इस टाइम मैंने लिया नहीं था, सो मैंने आपको दिखाया कि देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। सो इस तरीके के ब्रश से आप लगा सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो
अपना हाथ जिंदाबाद हाथ से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो फेस के साथ साथ पूरे नेक पे भी हमेशा पैक को अप्लाई कीजिए, एंड कोई भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होता है, मिरेकल नहीं होता है। वही बात है कि आप किसी भी चीज़ को अगर लंबे समय तक यूज़ करते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट एक बहुत ही अच्छा निकल के आता है। सो यहाँ लगा के रेडी है पैक, और इसको बस सूखने तक इसको पंखे के नीचे मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ आराम से, और 15 मिनट में ईज़िली ये सूख गया था। सो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सूख गया है, मेरे हाथ पे भी बिल्कुल पैक नहीं आया। सो बस 1 से 1.5 मिनट इसको अच्छी तरीके से जैसे स्क्रब करते हैं ना, बस वैसे ही करके उसके बाद में फेस वॉश कर लीजिए। और मैंने नॉर्मल ही टैप वाटर से अपना फेस को वॉश किया है, एंड उसके बाद में मैं ये जो रोज़ वाटर है उसको मैंने फिर से थोड़ा सा स्प्रे किया है अपने फेस पर, और थोड़ी देर के लिए इसको जैसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। एंड देन उसके बाद में तकरीबन 10 मिनट के बाद में ये मैं डेली ही रात में लगाती हूँ ज़्यादातर, तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है और उसी में मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया है। बस इसको जस्ट लाइक क्रीम की तरह आप अप्लाई कर लो, एंड आपका नाइट स्किन केयर रूटीन जो है वो पूरा परफेक्टली डन है। तो ये पैक बहुत बहुत अच्छा है अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो। बट किसी भी चीज़ को मैं बताती हूँ तो उसको आप सबसे पहले पैच टेस्ट कीजिए, आपको सूट करे तो ही आप यूज़ कीजिए। बस उसके बाद रात हो गई थी एंड मैं सोने चली गई थी सारा काम निपटा के। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।